सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशु। और काफ़ी जेई 2022 के बंदे ये पूछ रहे हैं कि अपन को कास्ट सर्टिफिकेट जब जेई में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा उसमें सबमिट करना ज़रूरी होता है क्या? तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बट ये है कि अगर तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में वो सबमिट कर दिया तो तुम्हें बाद में कुछ अलग से झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर तुम्हारे पास तुम किसी भी कारणवश नहीं बनवा पाए हो अपना सर्टिफिकेट, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस एक अंडरटेकिंग फिल करनी है। अब अंडरटेकिंग क्या होती है? तो अंडरटेकिंग यार एक फॉर्म होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। तो अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो तो अनअकैडमी तुम्हारे लिए लेके आया अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसके जो टेस्ट हैं वो है 18, 19 और 26 दिसंबर को। 18, 19 को तुम्हारे ग्रुप स्टेज हैं, जिसमें तुम्हें 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि तुम्हें 1 आवर में कंप्लीट करने हैं। और 26 को तुम्हारा फाइनल स्टेज, जिसमें तुम्हें 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि तुम्हें 3 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करने हैं। और इस टेस्ट को एक्सेस करने के लिए अगर तुम्हें कोई कोड मांगता है तो तुम मेरा कोड PRGO10 यूज़ कर सकते हो, उससे तुम्हें उस टेस्ट का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। और बाकी तुम इसके स्कॉलरशिप क्राइटेरिया देख सकते हो, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और कितने प्राइस हैं। ये अमेजोन वाउचर्स मिलेंगे जो तुम्हें 20,000 वगैरह, इसके तुम्हें अमेजोन वाउचर या फिर और कुछ रिलेटेड गिफ्ट्स मिल सकते हैं। बाकी अगर तुम्हारी अच्छी रैंक नहीं भी आती है ना, तुमने अगर सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट भी किया है, तो फिर एक लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा, जिसमें कुछ बच्चों को मैकबुक एयर, डेल लैपटॉप्स और अमेजोन एको डॉट जीतने का मौका मिलेगा। बाकी 19 दिसंबर को यार अपना ITJEE कॉम्बैट है, मेगा कॉम्बैट है, जो कि 11 बजे से है, जिसमें तुम्हें 60 मिनट्स में 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। क्लास 11, 12th और ड्रॉपर्स तीनों के लिए है। और इसमें अगर तुम अच्छी रैंक लाते हो तो तुम्हें मेडल्स वगैरह मिलेंगे और साथ में सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। और इसमें एक बड़ा सा लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा 500 बच्चों का, जिसमें अगर तुम लकी रहे तो तुम्हें मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग मोबाइल, JBL हेडफोन्स, अमेजोन वाउचर जीतने तक का मौका मिलेगा। बाकी इसमें एनरोल करने के लिए भी तुम्हें मेरा कोड PRGO10 यूज़ करना है। और एक और बात यार, कि दिसंबर में एक ऑफर चल रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। अगर तुम 6 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें 1 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा उसमें, और अगर तुम 18 मंथ का लेते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो तुम्हें 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैंने अभी तक जितने भी टेस्ट वगैरह है फिर अनअकैडमी चैंपियंस लीग के बारे में तुम्हें बताऊँ, सबके लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलना। अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो तुम मेरा कोड PRGO10 यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हें एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये इस तरीके का फॉर्म होता है अंडरटेकिंग। इसमें लिखा रहता है कि दिस इज टू अंडरटेक डेट आई एम अनेबल टू सबमिट प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ जनरल EWS जिस भी कैटेगरी के ड्यू टू प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ COVID-19। हाउएवर आई कंफर्म माय एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग एज द अबव सेड कैटेगरी कैंडिडेट फॉर जेई मेंस 2021 एग्जाम। तो ये जेई 2021 का था, मैं वो डाटा से दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो ऐसे ही सेम जब तुम्हारा जेई 2022 से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें 2022 मेंशन वगैरह होगा। और आई अंडरटेक टू सबमिट द सर्टिफिकेट बिफोर द एंड ऑफ मे 2021, फेलिंग विच माई कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एंड आई विल हैव नो क्लेम। तो वही है यार कि ये अंडरटेकिंग तुम्हें लगानी पड़ेगी, बट बाद में तुम्हें अपना असली कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और ये टेंशन मत लेना कि बाद में अगर तुम सबमिट नहीं कर पाए तो तुम्हारी क्या सीट कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ सेम केस हो चुका है। मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैंने अंडरटेकिंग लगा दी थी पर मैं सर्टिफिकेट नहीं दे पाया था। तो सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो तुम्हें एक और अंडरटेकिंग लगानी पड़ती कि तुम्हें वापस जिस भी कैटेगरी के लिए तुमने अप्लाई किया था उससे तुम जनरल में जाना चाहते हो। इसलिए ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। ये अभी मे लिख रहा है, इसमें हमारा बाद में और एक्सटेंड हो गया था। जो लोग मे तक भी नहीं देख पाए थे ना, तो उन्हें फिर से शायद अंडरटेकिंग लगानी थी और जोसा के टाइम पे सबमिट कर सकते थे। जोसा में जब NITs IITs में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है अपनी, तब अपन लगा सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा छूट दे दी गई थी अपन को, तो सेम छूट मेरे को लग रहा है तुम लोगों को भी दी जाएगी, क्योंकि कोविड का सीन अभी तक सेम ही है, कुछ ज़्यादा कम हुआ नहीं है। इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर तुमने बनवा लिया है सर्टिफिकेट तो उस पर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चल रहा। नहीं बनवाया है तो कुछ दिनों में बनवा सकते हो तो बनवा लो, नहीं तो JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट दे देना, उसके बाद भी तुम बनवा के सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनवाने में। तो यही था इस वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट।